नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए, उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दे दूं, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि 11:30 का टाइम हो चुका है, तो फटाफट जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन हैं तो फटाफट थंबनेल्स दे सकते हैं आप। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो जानते हैं कि 7 दिन में जो है कोरोना के नए मामले 57% बढ़ चुके हैं और लगातार स्थिति जो है बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या। और निजी क्षेत्र में जो है झारखंड सरकार 75% सीट रिजर्व करने के लिए कानून बनाने जा रही है। और उत्तराखंड में कुल मिलाकर अभी तक से लगभग 70 श्रमिकों का शव मिल चुके हैं। और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी, टेबल टेनिस की खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 18वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मैं बता दूं कि सैफीना सैफ अली खान और बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के यहाँ दूसरा बेटा का जन्म दिया है उन्होंने। उससे पहले तैमूर खान जो कि पहला बेटा है और दूसरा बेटे का जन्म हुआ। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। आगे देखते हैं, क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। जीएसटी संग्रह में सुधार देखने को मिला है देश में। ऑनलाइन वाहन बिक्री लगभग 300% बढ़ चुकी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और 5 जवाब आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। तो आज का भी स्पेशल टॉपिक है, तो इसको जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें, लोगों को शेयर करें। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रत्येक दिन की तरह आपको मिलेंगे। रेलवे SSC CGL NTPC से जुड़ी हुई ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आज भी 1 वर्ष सब्स्टिट्यूशन है जो मैं लगातार जो है 5 5 5 करके प्रत्येक दिन दे रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोल सकते हैं 1 1 सब्स्टिट्यूशन में। चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1997 में स्कॉटलैंड के रॉसली इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने भेड़ का क्लोन तैयार करके उससे पहला स्तनपाई डोली नाम दिया गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। पहला स्तनपाई थी जिसका क्लोन तैयार हुआ है। 14 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता दी। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता दी। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी घोषणा की थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, जिसमें राजीव गांधी ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया। भारत के वो प्रधानमंत्री थे। आज ही के दिन वर्ष 1922 में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद खदर राजा का मध्य प्रदेश के मंडेला में जन्म हुआ था। उन्होंने सोसाइटी में पहली एकल प्रदर्शनी की मुंबई की। तो ये थे आज के इतिहास जुड़े हुए सवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में नमामि गंगे अभियान के तहत लगभग 28,791 करोड़ रुपये की 310 परियोजनाओं की मंजूरी दी थी, यानी 2020 में इसको मंजूरी मिली थी। इनमें से 16 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन और निविदा के स्तर पर हैं। इनमें सीवरेज के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, घाट सवदाह गृह बनाना, रिवर फ्रंट का विकास, नदी की सफाई, संस्थागत विकास, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण स्वच्छता मिशन शामिल है। सरकार के मुताबिक नमामि गंगे अभियान के क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। जिन परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और जिन पर काम चल रहा है उन पर अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोदी जी का ये, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और सरकार लगातार इस पर तत्पर है कि इस तरह का प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो आने वाला समय में 1 से 2 साल में सभी प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं 310 परियोजनाएँ, सभी को पूरा कर लिया जाएगा 2 से 3 साल के अंदर। आइए, गंगा से जुड़ा हुआ है और स्वच्छता अभियान भारत की को देखते हुए जो है इसको किया गया है, तो इसी को देखते हुए जो है जल्द ही इसको पूरा करने की आशा है। तो चलिए देखते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे।
खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़कर चले जाते हैं या छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जब तक अपने आप पे आप भरोसा नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं पा सकते हो। तो अपने भीतर की ओर झांको, अपनी गहराई को, बॉटम ऑफ योर हार्ट, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आपको कब तक किसी का सहारा लेना पड़ेगा? एक बार, दो बार, तीसरा बार तो फिर वो सहारा लेना या देना पॉसिबल नहीं होगा। खुद वो छोड़कर व्यक्ति या कोई भी जो आपके लाइफ में, वो छोड़कर चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा करके अपना हुनर, टैलेंट अपने आप पे सीख लो, क्योंकि अभी टैलेंट का बहुत ज़रूरी है। बिना टैलेंट का भी कुछ नहीं होने वाला, और आपको कम से कम टैलेंट में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हर एक सेक्टर की जानकारी आपको थोड़ा जानकारी रखना होगा। तो ये था आज का थाट्स ऑफ द डे। तो चलिए जागते हैं, आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, ताकि उसकी नोट्स पर तैयार किया जा सके। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स बताने जा रहा हूँ कि रोजाना जो केस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, उसका देख सकते हो आप कि 21 फरवरी को लगभग 14,264 मामले आए हैं। 20 फरवरी की बात की जाए तो 13,990 99 नौ 19। इस तरह से 15 फरवरी की डेटा देख सकते हो कि लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के शहरों में पाबंदियां भी लगाई गई है। अमरावती में हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे में रात्रि कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज 18 फरवरी तक बंद रखने को कहा गया है। यानी स्थिति जो है लगातार बढ़ रही है। और पिछले देखा जाए तो 15 से 20 दिन में जो है 57% जो है मामले बढ़े हैं देश में, और ख़ास करके ज़्यादा केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत 16 योजनाएं पूरी कर ली है। तो मैं बिल्कुल इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया कि जनवरी 2020 में जो है सरकार ने 311 प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें से 116 प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। लगभग ये करीब करीब देखा जाए तो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट बता, दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और ये उनका 18वां ग्रैंड स्लैम है। तो उन्होंने जो है एक पुरुष एकल खिताब जीता है, ये काफी इम्पोर्टेंट है इनके लिए, और इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी प्रतिद्वंदी को हराया। 20वां ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड फेडरर नडाल के नाम है। 5 विंबलडन, 3 US ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब भी जीते हैं। तो बेमिसाल इनको बोल सकते हो नोवाक। मुकाबला भी जो है जबरदस्त रहा। पहले सेट का रोमांच था, दूसरे सेट दानिल जो है चुके थे। ये देख सकते हैं आंकड़े, 20 में सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीतने वाले पुरुषों के खिलाड़ियों की संख्या देख सकते हैं आप। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, 9 इन्होंने जीता है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 उन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम किया। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, 20 उन्होंने खिताब जीता है। राफेल नडाल की बात की जाए तो स्पेन से, उन्होंने भी 20 जीता है, लेकिन ये 2 पीछे चल रहे हैं। रोजर फेडरर, आंद्रिया गामी, जैक फ्राड्रे, केन रोसेवाल ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका से हैं, सभी ने जो है ये देख सकते हैं उनकी संख्या लिस्ट मैंने दे दी है। इस तरह का सवाल आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिलेगा, तो इसको जरूर पढ़ें, नोट्स तैयार करें। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिलिप प्लासेक और इवान डोडिक की 9वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। तो नोवाक जो कि पुरुष सिंगल्स का है, और ये पुरुष डबल्स का खिताब इन्होंने जीता है। तो जबरदस्त ये मुकाबला रहा, इन्होंने अपनी जीत जो है पूरी की ऑस्ट्रेलियन ओपन में। नेक्स्ट बता दूँ, यूनाइटेड नेशन ने धरती को बचाने के लिए यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत फेथ फॉर अर्थ अभियान शुरू किया है, जिसमें जो है विभिन्न देशों के धार्मिक नेता या धार्मिक योद्धा जो बोल सकते हो उनके उनसे जो है राय मशवरा ली जाएगी, और 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। तो मैं बता दूं कि इस साल जिनेवा के धर्म संसद में इको योद्धा भी पहुंचेंगे। इस मुहिम में पोप फ्रांसिस या इस्माइली मुसलमानों के इमाम इको योद्धा बनकर बन चुके हैं। भारत में इस मुहिम को हेड अतुल बंगाई ने टिकाऊ भविष्य के लिए सदगुरु श्री रविशंकर शिवानी दीदी और राधानाथ स्वामी जैसे धर्मगुरुओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
जो कि आध्यात्मिक तौर पे जो है एनवायरमेंट को बचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट बता दूं, ब्रिटेन की जैस्मिन हैरिस ने अकेले नाव से अटलांटिक महासागर पार किया है। तो ये मात्र 21 साल की हैं, युवा हैं, और अटलांटिक महासागर इन्होंने पार किया है, सबसे युवा महिला इनको मिला है। और पार्ट टाइम ये स्विमिंग टीचर भी हैं। दिसंबर 2020 में इन्होंने जो है 4,828 किलोमीटर की जो सफर है शुरुआत की, और उन्होंने कुल मिलाकर 70 दिन 3 घंटा 48 मिनट उन्होंने जो है इस सफर में को पूरा किया है इतना समय में। नेक्स्ट बता दूँ, कोरोना प्रभाव के कारण चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होगा, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट जो है के कारण जो है इसको डेट को पोस्टपोन किया गया है। 2020-21 के अंत में इसको होने वाला था, लेकिन अब 2022 में इसको पूरा किया जाएगा। गगनयान की भी जो है प्रोजेक्ट है, उसको भी वो भी प्रभावित हुआ है। और मैं बता दूं कि इसमें जो है चंद्रयान 3 में इसमें पूर्ववर्ती जो यानों की जो तरह ऑर्बिटर जो है अब इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का, जो कि इसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, चंद्रयान 3, जो कि 2021 के अंतिम महीनों में होने वाला था इसका प्रक्षेपण। नेक्स्ट बता दूँ, पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक साल के 2019 से 2019 के बीच देश में चिकित्सा के लिए रोजाना औसतन 861 विदेशी पर्यटक आए हैं। तो देख सकते हैं आप, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा जो है, जो कि वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने जो है ये आंकड़े दिखाए हैं कि भारत में जो है किस तरह से चिकित्सा पर्यटन उद्योग जो है बढ़ रहा है, और लगातार जो है लोग जो है भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उत्तरी सिक्किम में चीन सीमा पर चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है, क्योंकि लगातार जो है भारत को बहुत सारे देशों से चुनौतियां मिल रही है। इसी को देखते हुए सरकार जो है प्रतिबद्ध है और लगातार जो है अपना सीमा को, बॉर्डर को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के एवज में जो है सरकार ने अपाचे हेलीकॉप्टर को सिक्किम के उत्तरी क्षेत्रों में चीन की सीमा लगते हुए सीमा में जो है तैनात करने की घोषणा की है। तो आने वाला समय जो है भारतीय सीमा काफ़ी सुरक्षित होगी, जिस तरह से चीन ने जो है अपना उपस्थिति दिखाते हुए अब जो है पीछे हटने लगा है। तो आने वाला भारत जो है रणनीतिक मसले पर भी काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जापान की नाओमी सरकार नाओमी ओसाका नए साल के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो 4 या उससे ज़्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एक्टिव खिलाड़ी की बात की जाए तो देख सकते हैं आप, क्रिम बटाइटर्स नाओमी ओसाका जो कि इस बार जीती हैं ग्रैंड स्लैम महिला खिताब जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, इन्होंने 4 खिताब जीता है। विनस विलियम्स, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, तेजस रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, सबसे ज़्यादा सेरेना विलियम्स की 23 खिताब उनके हैं ग्रैंड स्लैम की। नेक्स्ट बता दूँ, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर उत्तराखंड की कृत्रिम झीलों की गहराई की नापी की है। तो बता दूँ कि लगभग 14,000 ऊंचाई के पर जो है कृत्रिम झील है, उस पर भारतीय वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से जो है इस अभियान को चला करके इसको पूरा किया है, ताकि वहाँ पर जो बने दीवार है उसका दबाव को मापा जा सके कि कितना दबाव है झीलों का, पानियों का कितना प्रेशर है, आने वाले समय में इस तरह का कोई घटना ना हो। सो उसी को देखते हुए जो है भारतीय वायुसेना और नौसेना के गोताखोरों ने जो है इस तरह से गहराई की कृत्रिम झील की गहराई की मापी की है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको देखते हैं। तो और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगातार मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं जानता हूँ आज का वो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अध्ययन करना डाइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल्स सैनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ वुमेन गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ ओल्ड एजिंग जेरेंटोलॉजी, और मैं बता दूँ स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग विच अराउंड अस इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन अर्गोलॉजी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो थे विज्ञान से जुड़े हुए, आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ और देश दुनिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ दे दूँ। तो मैं आज आपको आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, और ये इससे जो है अभी नया एक राज्य बना है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो हैदराबाद इसकी राजधानी है।
और हाल ही में वो दिखाया गया कि अमरावती में जो है स्थिति बहुत ही खराब है कोरोना का। तो चलिए मैं बता दूं हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद का गठन, सॉरी आंध्र प्रदेश का बता दूं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया है। वर्तमान में इससे पहले जो है हैदराबाद था, लेकिन वर्तमान में जो है अभी अमरावती ही है कैपिटल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 13 हैं। गवर्नर जो हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन जी हैं। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, बाकी यंग है वो। लोकसभा की सीटों की संख्या जो है लगभग 25 है और राज्यसभा की सीटें 11 है। तो बता दूं कि फॉर्मर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC YSY कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर आई है। यह पुस्तक 15 फरवरी को जो है काफ़ी पहले जो है इसको प्रदर्शित किया गया है। काफ़ी अच्छी किताब है ये, तो इसको देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरह से मुस्लिम का फैमिली प्लानिंग नहीं होता है या उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ जो है इस किताब में मिलने को देखने को मिलेगी। तो SY कुरैशी जी हैं जो कि पुरुष मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो किताब जो है इन्होंने लिखा है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तो तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि और करंट ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपको ओपिनियन कोई सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए, तो जरूर दें, मैं आपको इसको फॉलो करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।